दोस्तों आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ महिंद्रा 605। देख सकते इसका हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक में काम नहीं कर रहा है। इसका जो टापा है, टापा को खोला हूँ। देख सकते हो टापा को खोलने के बाद अभी इसको टापा को उतारूंगा, क्या हुआ है आपको दिखाऊंगा। देख सकते हो ये जो है इसका लिंक रोलर है, तो ब्यांड हो चुका है इसका बोल्ट, इस तरह से तिरछा हो गया, जिसके कारण जो हाइड्रोलिक में काम नहीं कर रहा है इसका, यही कारण है। इस तरीके से ब्रांड हो गया है। पहले इसको जो पिन है, पिन निकाल के इसको निकाल लेता हूँ। खोल जो लॉक को निकाल लिया हूँ, यहाँ से ऐसे लॉक निकाल लिया हूँ। देखो बोल्ट कितने बुरी तरीके से ब्रांड हुआ है, ऐसे खतरनाक ब्रांड हुआ है। ना ब्रांड हुआ है, ना प्रेशर खाया इसके लिए कुछ ही मार। इस तरीके से जो है ब्रांड हो चुका है। तो ये नया बोल्ट है और पुराना कैसे ब्रांड हो चुका है, इसको इस तरीके से फेंक के अब इसको सेटिंग करना है। इधर से आपको जो है बोल्ट तो इस तरीके का लॉक आपको यहाँ पे जो है सेट करना है नट के आगे में। इसका फिर क्या थोड़ा बड़ा वाला हूँ ना, तो सेट हो चुका है अच्छे से। लीवर को थोड़ा चेक करो इस तरीके से, क्योंकि तो काम करता है। ज़्यादा प्रेशर आने से क्या जो वो वाला बोल्ट है ब्रांड होने से हाइड्रोलिक में काम नहीं करता है। इस तरीके से आप अपना गाड़ी का जो है हाइड्रोलिक काम नहीं करने से इस तरीके से चेक करके आप सेट कर सकते हो। चलो टापा का सेटिंग करके स्टार्टर का आपको दिखा रहा हूँ। चलो अच्छे से सफाई करो। तो हाइड्रोलिक बन के रेडी हो चुका है, गाड़ी को स्टार्ट कर लिया हूँ। ए उठा, इस तरीके से आप अपना गाड़ी का जो है हाइड्रोलिक आसानी के साथ रिपेयर कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो मेरा अगला वीडियो आता है जल्द से जल्द पहुँच सके। ठीक बराबर, ठीक है मालिक।